ये प्रोडक्शन में अगर रेशियो की बात करें हाई राइडर और जो ग्रैंड विटारा का जो आपका एक्सपीरियंस है मौजूदा, जी वो क्या रेशियो होता है मौजूदा आप में दोनों ही अगर ब्रांड के आप, बीच? हाँ जी जी जो तो अगर आप इब्तिदाई दौर से देखें, जब हमने इसको मार्केट में जब उतारा था सितंबर 2022 में, गुज़िश्ता साल में, तो अभी तक करीब 8 महीने हुए हैं, तो कुल मिला के जो है कुल मिला के करीब 1 लाख या 95 हज़ार कुछ गाड़ियां हमारी, 95 हज़ार के 1 लाख के दरमियान गाड़ियां बनी हैं हाई राइडर और विटारा मिला के, जिसमें करीब 68 हज़ार विटारा है और करीब 27 हज़ार हाई राइडर है। तो ये एक जो अनुपात है वो है, लेकिन आगे क्या होगा वो इस इन्विक्टो में वो हमें जानने को मिलेगा एक बार हम जब वो कंसेंसस करें, और वो इस बात पे मशरूत है कि हमारे पास बुकिंग किस तेजी से आती है, और उसी पे आगे हम उसी बुनियाद पे आगे हम फैसला करेंगे कि जो प्रोडक्शन है इन्विक्टो का कितना होगा और हाई क्रॉस कितना। लेकिन इसमें ऐसा कंपटीशन नहीं हो जाएगा इन हाउस की, क्योंकि यहाँ वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है किसी भी एक, या खासकर हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हाई क्रॉस की, वहां पे उस प्रोडक्ट से अलग हटने के लिए एक बड़ी वजह होगी बहुत ज्यादा लंबा वेटिंग पीरियड उनको मिल रहा है। तो ऐसे में अगर मारुति सुजुकी की तरफ से ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी मिलेगा, ऐसे में एक घर के अंदर ही या आपके सहयोगी के साथ ही कॉम्पिटिशन ज्यादा कड़ा नहीं हो जाएगा? जी देखिए, ये तो एक आरजी जो है हालात हैं, एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि, लेकिन अगर आप दूर दूरंदेशी के अगर आप देखें उसको, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो हमारा दरअसल कंपटीशन सिर्फ हाई क्रॉस से नहीं है, हमारा कंपटीशन तो वो बाकी जो बाजार में बाकी गाड़ियां जो हैं, चाहे वो कार्निवल है या वो हेक्टर प्लस है या सफारी है, XUV 700 है, स्कॉर्पियो एन है, उनसे भी हमारा अल्काज़ार है, इससे भी हमारा कंपटीशन है। तो हमारी नज़र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने हाई क्रॉस से अपने का हमारा मुवाजना कर रहे हो, हमारा हम अपने अपना जो जो बाजार की हिस्सेदारी है उसका मुवाजना हम बाकी सारी गाड़ियों से कर रहे हैं।